नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जोकटा अकेडमी के YouTube चैनल पर। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सामने एक जरूरी सूचना लेके आया हूँ। मैं ही नहीं, जोकटा अकेडमी की जो पूरी टीम है, संजय सर, मनोज सर, बरयाम सर, हैरी सर, हम सब आपके सामने एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं। इस वीडियो को बनाने का मकसद साफ है और इस वीडियो के द्वारा हम अंत में आपके सामने एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट और एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव आप लोगों को बता देंगे। तो मैं स्पष्ट तरीके से बोलता हूँ, आप इस वीडियो को अंत तक देखें। इस वीडियो की शुरुआत सीधा शुरू हुई जब जोकटा सर ने HPSSC कमीशन डिसॉल्व के बारे में एक वीडियो बनाया। उस वीडियो ने एक ट्रिगर एक्शन दिया जिसके बाद हमें ऑल ओवर हिमाचल बहुत सारे मैसेजेस, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब पे कमेंट्स, फेसबुक पे मैसेजेस आए और हमसे एक ही क्वेश्चन पूछा, गुड आफ्टरनून सर, पंचायत सेक्रेटरी का बैच स्टार्ट हो रहा है आपकी अकेडमी में, या क्या आप Class 3 Class 4 की तैयारी करवाते हैं। यहाँ से मैसेज क्लियर है कि जो आज के डेट का यूथ है, जो हिमाचल का यूथ है, जो पिछले कुछ सालों से परेशान हो चुका है, जो भी XYZ फैक्टर्स है, उनके बारे में बात नहीं करना चाहता क्योंकि वो आम तौर पर गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज है। ठीक है, यहां पर हमारा जो रोल रहता है एज अ फैकल्टी, जो जोकटा सर में बोलते हैं, वो है स्टूडेंट को नीट को कैटर करना। और ये इशू बच्चों ने दोबारा से जोकटा सर के सामने अपनी समस्या रखी कि जो सबॉर्डिनेट बोर्ड के बैचेस है और जो ऐसे अभ्यर्थी है जो इन पेपरों की तैयारी कर रहे हैं, पंचायत सेक्रेटरी, TGT, TET, पुलिस कांस्टेबल और अन्य पेपर, उनका क्या, उनको जोकटा अकेडमी कब केटर करेगी। सो इसी के कंटेक्स्ट पे ये पूरी की पूरी वीडियो रहेगी। अब जोकटा अकेडमी ने और अब सरकार द्वारा रिसेंटली बहुत सारी अनाउंसमेंट्स की गई है, चाहे पंचायत सेक्रेटरी है, चाहे पटवारी है, चाहे जो भी है। ठीक है, इस कंटेक्स्ट में हमारा जो मैनेजमेंट है और हमारे जो टीचर्स हैं, वो आपसे इस वीडियो में आपको इनके बारे में इन्फॉर्मेशन दे देंगे, तो आप वीडियो से बने रहे। यहाँ पर जो मेन कंटेक्स्ट है, हाउ वी कैन हेल्प, जोकटा अकेडमी रेगुलरली बच्चों की नीड्स को केटर कर रहा है और यहाँ पे भी हमारा प्रयास है कि हम बच्चों की नीड को केटर करें। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ यहाँ पर संजय सर को कि इस वीडियो को कंटिन्यू करें और बताए कि जोकटा अकेडमी किस तरीके से जो ये स्पेशल जो आज की डेट में क्लास है उसकी नीड को केटर कर सकते हैं। संजय सर प्लीज़। थैंक यू अभिनव सर। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि जोकटा अकेडमी का अभी तक का जो सफ़र है वो है मेनली HAS के स्टूडेंट्स को मेंटोर करना। तो इसके लिए हमने जो अपना एक जो हमने क्वालिटी एजुकेशन अभी तक फैसिलिटेट की है, उसके ही दम पर अभी तक हमें 5 सालों में मोर देन 50 सेलेक्शंस हमने अचीव की है। तो जैसा कि सर ने आपको बताया है कि निरंतर हमें ये मैसेजेस आ रहे हैं कि आप कब से सबॉर्डिनेट बैचेस में भी जो है सर्विसेज को फैसिलिटेट करेंगे। उसी के तहत हमने जो है ये एक डिसीज़न लिया है कि हम अब जो है सबॉर्डिनेट सर्विसेज के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसके लिए भी कुछ बैचेस, एक्सक्लूसिव बैचेस हम जो है या फिर इंटीग्रेटेड बैचेस हम चलाएंगे। तो आप देखें कि हम किस तरह से अपना ये प्रयास करेंगे इन सब बैचेस, इन सब एग्ज़ाम्स को क्रैक करने के लिए, किस तरह से जो है सबॉर्डिनेट सर्विसेज के जितने भी एस्पिरेंट हैं उनको कैसे कैटर करेंगे। तो आप देखेंगे कि आने वाले टाइम में हम जो है एक जो है हम एक्सक्लूसिव और इंटीग्रेटेड बैचेस जो डेडिकेटेड हो गए सबॉर्डिनेट सर्विसेज के एग्ज़ाम्स के लिए, वो हम शुरू करने वाले हैं। तो इस बैचेस का जो आपका जो हमारा मोड है या फिर जो स्पेशल फीचर्स है वो कुछ इस प्रकार से हैं कि आप देखें, ये जो बैचेस होंगे ये ऑनलाइन, ऑफलाइन और रिकॉर्डेड, जिसको हम हाइब्रिड मोड भी बोलते हैं, हाइब्रिड मोड में ये बैचेस चलाए जाएंगे। ऑनलाइन या फिर जो भी ऑफलाइन क्लासेस होंगे, ऑफलाइन क्लासेस प्रोग्राम्स होंगे, उसके ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग करवाई जाएगी, साथ ही साथ जो भी रिकॉर्डेड वीडियोस होगी इन सब लेक्चर्स की, वो भी स्टूडेंट्स को, ऐसे स्टूडेंट्स को जो इन सब बैचेस को, ऑफलाइन बैचेस को कैटर नहीं कर सकते हैं, उनके लिए हम जो है रिकॉर्डेड वे में भी इन लेक्चर्स को प्रोवाइड करेंगे। साथ ही साथ जोकटा एकेडमी का जो रिकॉर्ड है, जो हम जो है वो है कंटेंट हमारा जो HPGK या फिर अदर जो हमने वेल रिसर्च करके अपना एक कंटेंट डेवलप किया है, वो कंटेंट भी आपको इन बैचेस के साथ जो है प्रोवाइड कर दिया जाएगा। साथ ही साथ हमारा एक वे है स्टूडेंट को हेल्प करने का, दैट इज़ टॉपिक वाइज असेसमेंट। जैसे हमारा जो भी टॉपिक कंप्लीट होगा उसके एंड में अब स्टूडेंट की एक असेसमेंट कर दी जाएगी, जिससे हमें ये पता चलेगा
मिलेगा कि स्टूडेंट ने कितनी इम्प्रूवमेंट की है, या फिर स्टूडेंट के जो भी फीडबैक्स होंगे वो भी हमें मिलते रहेंगे। साथ ही साथ जो इस बैचेस का जो एंड में जो हम स्टूडेंट को फैसिलिटेट करेंगे वो है फुल लेंथ जो है मॉक टेस्ट हो गए, जिसकी मदद से एग्ज़ाम के पहले ही स्टूडेंट्स जो है कम से कम 10 से 11 मॉक टेस्ट को दे चुका होगा, जिससे उसको एग्ज़ाम को क्रैक करने में एक बहुत हेल्प मिलेगी। साथ ही इस बैच का जो हमारे जो ये बैचेस होंगे, आप जानते हैं कि सबॉर्डिनेट बैचेस के लिए जो एक ड्यूरेशन है दैट इज़ 4 to 5 months, 4 महीने की आपकी कोचिंग्स हो, उसके बाद 2-3 महीने में आप सेल्फ स्टडीज़ करो, तो इस 6-7 महीने के जो एक ड्यूरेशंस में आप जो है इन सब एग्ज़ाम्स को क्रैक कर सकते हो, अगर आपकी तैयारियाँ जो है डेडिकेटेड है तो इस वे में आप इस एग्ज़ाम को 6 से 7 महीनों में क्रैक कर सकते हैं। इसीलिए हमने जो अपना एक टारगेट रखा है, इस बैच का जो ड्यूरेशन रखा है वो रखा है हमने 4 months का हमारा जो है ड्यूरेशंस रहेगा। तो स्पेशली ये जो बैचेस है, ये सो पूरा का पूरा जो प्रोग्राम है सबॉर्डिनेट बैचेस का जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम हमारा चलेगा जो हमने अपनी नई ब्रांच ओपन की है इंजन घर के पास संजौली में, जो हमारी नई ब्रांच चल रही है जो ओपन होने वाली है, वहाँ पर ये पूरा का पूरा जो है सबॉर्डिनेट सर्विसेज के जितने भी कोचिंग्स है, मेंटरिंग है, स्टडी मटेरियल, ये सारी की सारी फैसिलिटीज़ आपको वहीं पर ही फैसिलिटेट कर दी जाएगी। एंड नेक्स्ट, अगर आपको इन सब चीज़ों से, इन सब बातों से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी डिटेल्स आपको चाहिए, तो आप इन सब इन नंबर्स पर जो है कॉल कर सकते हैं। एंड अगेन जो इन्फॉर्मेशन है वो है, आप जानते हैं कि रिसेंटली कैबिनेट ने जो है एक कैबिनेट ने एक अप्रूवल दिया है, जिसके तहत अब जो है हिमाचल प्रदेश में पंचायत सेक्रेटरी के मोर देन 400 जो जॉब्स है, 400 जो है वैकेंसीज को फिल किया जाएगा। तो इसके तहत जो भी एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो कभी भी आउट हो सकती है। तो आप देखेंगे ये पंचायत सेक्रेटरी का भी रिसेंटली भी एग्ज़ाम कंडक्ट कर दिया गया था, जिसमें पोस्टिंग भी हो गई है, इन कमिंग टाइम ऑल्सो एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन कभी भी आ सकती है। तो आप देखें इस बैच के लिए, इस जॉब के लिए जो क्राइटेरिया है वो है 18 to 14 years की जो है आपका जो एज है, एंड अगेन जो ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में आपकी ग्रेजुएशन हो, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से हो, या फिर जो आपकी टाइपिंग स्किल्स हो। आप देखेंगे कि जब आपका जो ये प्रोग्राम, जब आपका ये एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा तो हम आपके लिए टाइपिंग की फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करेंगे ऑन द बिहेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ओनली। तो आप देखेंगे, और ये जो स्पेशल जो ये बैचेस चलेंगे, इस बैचेस हमारे जो होंगे ये बाइलिंगुअल लैंग्वेज में होंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि ये स्पेशली इंग्लिश मीडियम का होगा या फिर हिंदी मीडियम का होगा। जो बैचेस होंगे वो बाइलिंगुअल बैचेस होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए ही ये बैचेस चलाए जाएंगे। लेकिन अगर आप देखें तो ये बैचेस का जो हमारा जो एक ड्यूरेशन है वो 3 से 4 महीने का आपका कोचिंग होगा, उसके बाद आपको मेंटरिंग प्रोवाइड कर दी जाएगी, गाइडेंस प्रोवाइड कर दी जाएगी, चाहे वो मॉक टेस्ट के थ्रू है या फिर अदर वे में आपको जो है हेल्प आउट करने के लिए रेगुलर, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता है तब तक आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर दी जाएगी। और इस इन 3-4 महीनों में हमारा जो जो एफर्ट होगा वो कॉम्प्रिहेंसिवली पूरे के पूरे सिलेबस को कवर करने का होगा, साथ ही साथ आपके जो है जितने भी फुल लेंथ टेस्ट हो गए उस पर हमारा मेजर इम्फेसिस रहेगा। नेक्स्ट इस वीडियो नेक्स्ट जो है इससे इस क्रम में जो आने वाली जो जानकारी है वो आपको हमारे मनोज सर देंगे। थैंक यू सो मच मनोज सर। थैंक यू सर। हेलो स्टूडेंट्स, सो हमें ये अनाउंस करते हुए काफ़ी खुशी हो रही है कि जो सबॉर्डिनेट बैचेस हैं उसमें से हम एक TGT का बैच अनाउंस कर रहे हैं। हिमाचल गवर्नमेंट ने कैबिनेट सब कमेटी ऑन एम्प्लॉयमेंट सेटअप करी थी, और उस कैबिनेट के रिपोर्ट के अनुसार जो गवर्नमेंट है उन्होंने डिसाइड किया है कि जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उनकी वैकेंसीज को प्रायोरिटी बेस पर फिलअप करेंगे, जिसमें कि TGT है, PGT है, JVT है। तो उसी के कॉन्टिन्यूएशन में हम भी एक TGT का बैच अनाउंस कर रहे हैं। इस बैच में हम इंटीग्रेटेड TGT और PGT बैच होगा। इसमें जो ड्यूरेशन रहेगा वो हमारा 3 से 4 महीने का रहेगा, और इसमें कॉम्प्रहेंसिव सिलेबस कवरेज हम करेंगे। और जब हमारा सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, लास्ट में हमने फुल मॉक टेस्ट रखे हुए हैं। जो TGT है इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 3 है। सबसे पहला है कि जो आप हो वो ग्रेजुएट होने चाहिए, दूसरा है कि BEd भी होनी चाहिए, और जो तीसरा है वो टेट होना चाहिए। सो इट वॉज ऑल अबाउट TGT। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वायरी हो या इंटरेस्टेड हो तो जो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है जोगटा अकेडमी शिमला का, इसमें कॉन्टैक्ट करें। अब मैं नेक्स्ट फैकल्टी को इन्वाइट करूँगा नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए। थैंक यू।
थैंक यू सर फॉर हैविंग मी। हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है हिमाचल पुलिस डिपार्टमेंट में पिछले कुछ सालों से लगातार SI और कॉन्स्टेबल की वैकेंसीज आ रही है, और उन्हीं वैकेंसीज को उन्हीं एग्जाम को टैकल करने के लिए जोकटा अकेडमी ने अभी रिसेंटली एक SI का बैच कंप्लीट करा है, और फर्दर मोर हम नए बैचेस लेके आने वाले हैं। आपको पता है कि SI हिमाचल में एक प्रेस्टिजियस जॉब है, और उसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो उसकी एज 21 से 26 साल है और ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी, है ना। तो उसके लिए हम नए बैच लेके आने वाले हैं, और इसी पेपर को टैकल करने के लिए जो इस बार 28 सीटों के लिए होगा उसके लिए हम एक्सक्लूसिव टेस्ट सीरीज लेके आई जो एक्सपर्ट्स ने बनाई। तो आप इस फैसिलिटी को अवेल करने के लिए आप हमें इंक्वायरी कॉल कर सकते हैं, और जैसे कि आपको पता है कॉन्स्टेबल और SI के लिए हम रनिंग बैच जल्द से जल्द आपके लिए लेके आने वाले हैं। सो फर्दर मोर इन्फॉर्मेशन के लिए मैं हरजिंदर सर को बुलाना चाहूँगा। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर फॉर शेयरिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट HP सब इंस्पेक्टर कोर्स। तो यहाँ पे देखिए, मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ HP पटवारी के कोर्स के बारे में, हिमाचल प्रदेश क्लैरिकल एंड यहाँ पे HP JO IT की पोस्ट के बारे में। तो शर्ट, जैसे आपको पता है कि 2019 के बाद यहाँ पे HP पटवारी की बात करें तो यहाँ पे कोई भी पोस्ट अभी नहीं आई है। तो राउंड अबाउट यहाँ देखा जाए तो जनरली यहाँ पे रहती हैं हमारी 1000 प्लस माइनस पोस्टें। तो हो सकता है कि इस बार भी 1000 के नज़दीक ही पोस्टें रहें। तो इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है आपके पास वो है 12th स्टैंडर्ड, और जो एज लिमिट रहती है इसकी जनरली वो रहती है 18 to 45 ईयर्स। अगर यहाँ क्लैरिकल की बात करें तो क्लैरिकल में भी एज लिमिट आपकी 18 to 45 के बीच में रहती है, बट यहाँ पे जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है वो आपका ग्रेजुएशन है। साथ यहाँ पे JO IT की बात करें तो ये थोड़ा सा टेक्निकल एग्ज़ाम है, तो इसमें जो एग्ज़ाम पैटर्न रहता है वो अराउंड अबाउट 70% आपका कंप्यूटर बेसिस के हिसाब से रहता है, और जो 30% एग्ज़ाम है उसमें आपका हिमाचल प्रदेश GK, इंडिया एंड वर्ल्ड की GK, साथ में करंट अफेयर्स का पार्ट तथा रीजनिंग का जो भी पार्ट रहता है वो इसमें आता है। तो अगर यहाँ पे हम कोर्स की बात करें HP सबऑर्डिनेट्स के, जो आपको अभी संजय सर ने बताया या फिर ब्रियाम सर ने बताया, तो इसकी जो ड्यूरेशन रहने वाली है वो आपकी 3 to 4 मंथ रहने वाली है। इसी के हिसाब से अगर हम यहाँ पे देखें तो इसमें आपको प्रॉपर हैंडआउट्स दिए जाएंगे, आपके वीकली टेस्ट लिए जाएंगे, एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कोर्स आपकी पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज स्टार्ट भी की जाएगी। तो हमारा आज की वीडियो का मोटिव यही था कि आपको हिमाचल प्रदेश सबऑर्डिनेटिव एग्जामिनेशन के बारे में अवगत कराया जाए। तो इसी के हिसाब से जो भी आपको क्वेरी है या फिर जो भी डिटेल्स आपको पता करनी है वो दिए हुए स्क्रीन पे नंबरों से पता कर सकते हैं। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच।